नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अभी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, उससे फायदा तो हुआ ही है, साथ ही नुकसान भी हुआ है और लगातार हो भी रहा है। वो नुकसान है फेक न्यूज का। आप देखते होंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फेक न्यूज ट्रेंड करती है, जबकि पहले सोशल मीडिया को ज्ञान बढ़ाने का आसान जरिया माना जाता था। लेकिन अब फेक न्यूज को वायरल करने के लिए सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और अब मोदी सरकार इसको लेकर सक्रिय हो गई है और वो जल्द ही तमाम एक्सपर्ट से बात कर इस पर कानून बनाने जा रही है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी दिलवाई जाएगी। ये मसौदा आम चुनाव से पहले आया था, लेकिन चुनाव की व्यस्तता के चलते इस पर काम नहीं हो पाया। और अब जब हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर भीड़ की तरफ से लगातार लोगों को पीटने की खबरें आने लगी, तो सरकार ने इस मुद्दे को लेकर कानून बनाने की अपनी प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इस बारे में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी देगी, जहां पहले से ही सरकार बनाम सोशल मीडिया से जुड़ा एक मामला चल रहा है। फेक न्यूज से लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने मौजूदा आईटी एक्ट की धारा 79 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। पीएमओ ने आईटी मिनिस्ट्री के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया है कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भी फेक न्यूज का प्रसार करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अभी के कानून के मुताबिक किसी भी फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया कंपनियां सीधे जिम्मेदार नहीं होती हैं। लेकिन अब इस संशोधन के साथ जब प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश होगा, तो देखते हैं कि इस पर कैबिनेट की क्या प्रतिक्रिया रहती है। अगर विचार विमर्श करने के बाद इस संशोधन के साथ प्रस्ताव पास हो गया, तो फिर सरकार का अगला मकसद इस प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना होगा। और अगर सरकार को इसमें भी सफलता हासिल हो गई, तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन जाएगा। और फिर कानूनन सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों से पहले ऐसे कंटेंट को अपने पेज पर दिखाने की इजाजत देने के लिए कंपनियों को दबोचा जाएगा। बता दें कि बच्चा चोरी की अफवाह के बाद सरकार की चिंता इसलिए बढ़ी, क्योंकि जब अफवाह को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा था, तो इस दिशा में सोशल मीडिया कंपनियां बिल्कुल ही गंभीर नहीं नजर आई। सूत्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से इन सोशल मीडिया कंपनियों को करीब 1 दर्जन पत्र भेजे गए, लेकिन किसी भी कंपनी की तरफ से सरकार को कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पीएमओ ने कड़ा एक्शन लेते हुए आईटी मिनिस्ट्री से इसको लेकर कानून का मसौदा तैयार करने को कहा।